दोस्तों, ये है बोली स्कैब लोशन। आज के वीडियो में हम जानेंगे बोली स्कैब लोशन क्या है, बोली स्कैब लोशन में इंग्रेडिएंट क्या है, बोली स्कैब लोशन का इस्तेमाल कब और क्यों किया जाता है, और बोली स्कैब लोशन लगाने पर हमारे स्किन पर इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं ऐसी कोई भी दवा आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। बोली स्कैब लोशन या इसके जैसा कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ जानकारी देने का है। कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज आमिर एंड यू वॉचिंग हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। दोस्तों, बोली स्कैब लोशन की जानकारी के लिए आइए जानते हैं सबसे पहले बोली स्कैब लोशन में कौन कौन सी इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, बोली स्कैब लोशन में दो तरह के इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है, गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड और सेट्रीमाइड। आइए सबसे पहले बात करते हैं गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड के बारे में। दोस्तों, गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड एक ऐसी दवा है जिसे कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे लिंडेन, गैमेक्सिन, गामालिन, गामा हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सिन या फिर गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। दोस्तों, गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड के बारे में जाने तो गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड स्कैबीज और जुओं को मारने के लिए इलाज के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड त्वचा में होने वाले स्कैबीज की खुजली को ठीक करने में बहुत फायदेमंद है। ये खाज वाली खुजली के उपचार के लिए भी बहुत अच्छी दवा है। दोस्तों, ये पुराने से पुराने स्कैबीज के जुओं को जल्दी मारने में मदद करता है। जब हमारे शरीर में कहीं स्कैबीज होता है या सर में बहुत ज़्यादा जुएं हो जाती है तो गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छी दवा है लगाने के लिए। दोस्तों, गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड स्कैबीज को बढ़ने से रोकता है और स्कैबीज के अंडों को जल्दी ख़त्म करने में बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बोली स्कैब लोशन के नेक्स्ट इंग्रेडिएंट सेट्रीमाइड के बारे में। दोस्तों, सेट्रीमाइड के बारे में जानें तो सेट्रीमाइड एक एंटीसेप्टिक मेडिसिन है जो घाव और जख्म को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल में, बहुत सारे हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में एंटीसेप्टिक के रूप में सेट्रीमाइड का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि जख्म को साफ किया जाए और जख्म को कीटाणुओं से बचाया जाए। कीटाणुओं से बचाने के लिए, जख्म को साफ करने के लिए बहुत ही अच्छी दवा है सेट्रीमाइड। सेट्रीमाइड कीटाणुओं को मारता है और जख्म को जल्दी भरने में मदद करता है। स्किन का छिल जाना या स्किन में रैशेस हो जाने पर सेट्रीमाइड बहुत ही अच्छी दवा है। दोस्तों, कीटाणुओं की वजह से जख्म कभी कभी जल्दी नहीं भरता है। ऐसी हालत में सेट्रीमाइड लगाने पर जख्म जल्दी भरता है और जख्म जल्दी सूखता है। पुराने से पुराने जख्म को जल्दी भरने में बहुत फायदेमंद है सेट्रीमाइड लोशन। दोस्तों, गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड और सेट्रीमाइड, इन दोनों मेडिसिन्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है बोली स्कैब लोशन, जो एक अच्छी दवा के रूप में काम करता है। लेकिन ध्यान रहे, बोली स्कैब लोशन बाहरी उपयोग के लिए है, इसलिए इसे अपने बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें। इसका इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, उसके बाद ही बोली स्कैब लोशन का इस्तेमाल करें। बोली स्कैब लोशन गर्दन से नीचे लगाने की सलाह दी जाती है, इसलिए जब भी ज़रूरत ना हो इसे गर्दन से नीचे ही इस्तेमाल करें। और अपने बालों पर यूज़ करने से पहले बालों के जुओं को ख़त्म करने के लिए अगर आप बोली स्कैब लोशन का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही बोली स्कैब लोशन का इस्तेमाल करें। अगर शरीर के किसी हिस्से में आपको बोली स्कैब लोशन लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो इस बात का ध्यान रखें कि बोली स्कैब लोशन बाहरी उपयोग के लिए है। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं बोली स्कैब लोशन लगाने पर हमारे स्किन पर इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। दोस्तों, बोली स्कैब लोशन लगाने पर अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरह का साइड इफ़ेक्ट या एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जैसे किसी को स्किन में जलन होना,
स्किन में चुभन महसूस होना, स्किन में रैशेस हो जाना, या स्किन में छोटे छोटे दाने होना, या फिर खुजली होने जैसी समस्या हो सकती है, या फिर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन होने पर शरीर में पित्ती जैसा होता है, जो इसका एलर्जिक रिएक्शन कहलाता है। तो दोस्तों, ये तो था बोली स्कैब लोशन के बारे में जानकारी। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के काम आ सकती है, तो वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचाएं। अपने सोशल मीडिया के मदद से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।